थ्री टू डे इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट इंग्लिश स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 7 गोइंग टू स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 42 का वर्क स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 42 पे एक्सरसाइज ए हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। रीड द नेम्स ऑफ दीज स्कूल ऑब्जेक्ट्स। ये स्कूल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनके हमें नेम रीड करने हैं। CRAYONS क्रेयॉन्स, PENCIL पेंसिल, CAKE CASE केस पेंसिल केस, NOTE नॉट, BOOKS बुक्स नोट बुक्स, CONOUR कलर, BOX बुक्स कलर बुक्स, PAINT पैंट, LUNCH लंच, BOX बुक्स लंच बुक्स, क्रेयॉन्स पेंसिल केस, नोट बुक्स कलर बुक्स, पैन लंच बुक्स। ये ऐसे ही आपको रीड करने हैं अपने बुक पर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर बी कम्प्रहेंशन फोकस। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम अपनी बुक कॉपी में नोटबुक पे राइट करेंगे। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2 के बी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। लुक रीड एंड राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। देखें पढ़ें और नाम लिखें तस्वीर के। द डैश इज एट द बस स्टॉप। अब देखें डैश में ये जो पिक है ना, इनका इसका नेम राइट करना है। तो इस पिक का नाम क्या है? बस, BUS बस। द बस इज एट द बस स्टॉप। अहमद इज रीडिंग अ डैश। अहमद रीड कर रहा है, क्या रीड कर रहा है? ये देखिए कौन सी पिक है, ये है बुक, बुक की BOOK बुक। अहमद इज रीडिंग अ बुक। गर्ल्स आर लुकिंग आउट ऑफ द डैश। अब गर्ल्स कहाँ देख रही हैं, किससे बाहर देख रही हैं? विंडो से बाहर। WINDOW विंडो। द डैश इज कुकिंग फूड। अब ये देखें ये क्या कर रही हैं, डैश कुकिंग फूड। मदर, द मदर, मदर इज कुकिंग फूड। मदर जो क्या कर रही है, फूड कुकिंग कर रही है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पेज नंबर 43 कंप्लीशन फोकस का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ दीज पिक्चर्स। अब हमें ये जो तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीरें इनके नाम राइट करने हैं। ये कौन सी पिक है? ये है पेंसिल, PENCIL पेंसिल। ये कौन सी पिक है? बॉल, BALL बॉल। ये कौन सी पिक है? कार, CAR कार। पेंसिल, बॉल, कार। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज बी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी फोनिक फोकस। फोनिक फोकस, स्पेल द सिंपल 1 and 2 सिलेबल वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। अब हमें जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें जो वर्ड सिलेबस और टू सिलेबल वर्ड्स हैं वो हमें करेक्ट कॉलम में राइट करने हैं। इज, टुडे, टू, पे, पर, मैनी, दिस, स्टोरी, गो। अब इनमें से हमें जो वन सिलेबल वर्ड्स हैं वो वन सिलेबल वर्ड के कॉलम में राइट करने हैं और जो टू सिलेबल वर्ड हैं वो हमें इस कॉलम में राइट करने हैं। रीड मी, वन सिलेबल वर्ड इज अ वर्ड विथ अ सिंगल स्पीच साउंड सच एज इट, गो, etc। वन सिलेबल वो वर्ड है जो जिनका साउंड सिंगल हो, यानी कि इट, गो। टू सिलेबल वर्ड्स आर द वर्ड्स विथ टू स्पीच सेगमेंट्स सच एज पर, नर, पे, बर, etc। जैसे कि हम साउंड इसका क्या आ रहा है, टू साउंड में, बर, नर, पे, पर, ऐसे हमें यहाँ पर राइट करने हैं। इस देखिए वन, यानी कि एक ही साउंड है तो इसका हम यहाँ पर इस वन सिलेबल में राइट करेंगे। टू डे, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, टू उस स्पीच में आ रहा है तो यहाँ पर हम ये टू सिलेबल में राइट करेंगे। TODAY टू डे, TO2 ये वन सिलेबल है तो यहाँ पर राइट करेंगे। PAPER पे, पर, ये टू सिलेबल वर्ड है यहाँ पर राइट करेंगे हम, पे, पर। मैं, नी, ये भी टू सिलेबल वर्ड है, ये भी हमें यहाँ राइट करना है, MANY मैनी। दिस, ये वन सिलेबल वर्ड है, THIS दिस। स्टोरी, ये टू सिलेबल वर्ड है, हमें यहाँ राइट करना है टू सिलेबल में, STORY स्टोरी। गो, ये वन सिलेबल वर्ड है, यहाँ राइट करना है। एक्सरसाइज सी फोनिक फोकस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज डी वोकैबुलरी फोकस। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। पोलाइट, शोइंग गुड मैनर्स, रैपर्स, एनी पेपर दैट कवर्स फूड और अ थिंग, ड्रॉ टू मेक पिक्चर्स विद अ पेंसिल और पेन।
यहाँ तक हमारा पेज नंबर 43 कंप्लीट हो गया है बेटा। ये आपको ऐसे अपने बुक पे काम करना है, रीड करना है। अल्लाह हाफिज़।